आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने के उद्देश्य को लेकर शिवराज सरकार ने अपना बजट पेश किया। इसके बाद जहां मंत्री विश्वास सारंग ने वित्त मंत्री को बधाई देते हुए इस बजट को संतुलित बताया, तो वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बजट पर निशाना साधते हुए इसे इतिहास का सबसे काला बजट बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ पूरी दुनिया में कोविड के संक्रमण के कारण हर देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, उस संकट के दौर में भी इस तरह का संतुलित बजट प्रस्तुत कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना कल्याणकारी राज्य का एजेंडा बनाने का जो लक्ष्य है उसको सिद्ध किया है। ये बजट परिपूर्ण है। कोविड के कारण अर्थव्यवस्था में दिक्कतें आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता पर कोई भी कर आरोपित नहीं किया है। वो योजनाएं जिनके माध्यम से जनता का कल्याण होता है, उन योजनाओं में लगातार पैसा बढ़ाने की जो हमारी सरकार की मंशा है, वो इस बजट में भी हमें परिलक्षित दिखती है। चाहे किसान का मामला हो, युवा का मामला हो, महिला का मामला हो, खेत का हो, खलियान का हो, गांव का हो, शहर का हो, विकास की नई अवधारणा और कल्याण के माध्यम से जनता के घर उजियाला और खुशहाली पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य है वो हमने पूरा किया है। चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, उसके उन्नयन के लिए इस बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। आदरणीय शिवराज सिंह जी ने एक बार फिर स्वीकार कर लिया इस बजट के माध्यम से कि मैंने 16 साल से कैसा आर्थिक कुशासन इस मध्य प्रदेश में किया। उन्होंने कहा कि मेरी इस वर्ष की जो प्राप्तियां हैं, जो इनकम होगी प्रदेश की, वो 1,64,677 करोड़ रुपए, 1,64,677 करोड़ रुपया है अनुमानित प्राप्तियां। और जो उन्होंने बजट पेश किया वो 2,41,375 करोड़ व्यय का किया, यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपए के घाटे का बजट। ये अपने आप में बताता है कि इनकी आर्थिक कुशासन किस हद तक ऊपर जा रहा है, सर माथे जा रहा है। आप देखो कि 2,41,000 करोड़ रुपए के कर्ज में 16 साल में मध्य प्रदेश को लेके आए, आज इस वर्ष, सिर्फ इस वर्ष लगभग 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया, और अब जो बजट दिया है लगभग 80,000 करोड़ रुपए के घाटे का बजट, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में जब से स्थापना हुई मध्य प्रदेश की तब से आज तक इससे काला बजट नहीं आ सकता है। कोई सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सुंदरलाल पटवा की हो, सखलेचा जी की हो, कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्री की हो, पर इससे काला बजट मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं आ सकता है।